नमस्कार दोस्तों, सर्च रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिचके हुए गाल देखने में काफ़ी ख़राब लगता है, इससे हमारे चेहरे की खूबसूरती भी बिगड़ जाती है। दोस्तों, वहीं फूले हुए गाल से चेहरा खूबसूरत दिखने में लगता है। दोस्तों, पिचके हुए गाल होने के कारण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे अनियमित रूप से भोजन करना और पौष्टिक आहार का ना मिलना, और उसके साथ साथ दोस्तों पानी की कमी से भी गाल पिचक जाते हैं। दोस्तों, हम इसके कुछ ऐसे घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप हफ्ते भर में अपने गालों को फूला हुआ गोल मटोल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियाँ देते हैं। दोस्तों, पिचके हुए गालों को आप आसानी से अपने घर पर ही फुला सकते हैं बिना कुछ खर्च किए। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो आप इसके उपचार को समझ नहीं पाएंगे और उसके बाद आप बोलेंगे कि क्या बकवास मैं कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, पिचके हुए गालों को फुलाने के लिए दो आसान घरेलू तरीके हैं। दोस्तों, पहला व्यायाम के माध्यम से और दूसरा खान पान घरेलू तरीके से। दोस्तों, आइए हम व्यायाम के माध्यम से अपने गालों को फुलाने के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पिचके हुए गालों को फुलाने के लिए आप प्रतिदिन अपने गालों को गुब्बारे की तरह 1 मिनट तक फुलाएं। ऐसा करने से दोस्तों आपके गालों के नसों का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, जिससे आपके गालों पर मांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा प्रक्रिया आप एक दिन में 3 बार करें। ऐसा करने से आपके गाल का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जिससे उस पर मांस चढ़ने लगेंगे और आपके गाल हरे भरे होने लगेंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों, अपने गालों को हल्का हल्का चिकोटी काटें, इससे भी ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, जिससे आपका गाल जल्दी हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा प्रक्रिया करने से दो हफ्ते में आपको इसके फायदे मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, इसके घरेलू खान पान घरेलू उपाय के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन 1 सेब खाएं या सेब के रस को अपने गालों पर लगाकर उसे मसाज करें 20 मिनट तक। ऐसा करने से भी आपके गाल फूल जाएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप सरसों का तेल या बादाम का तेल लगाकर अपने गालों पे उससे आप 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करें। यह प्रक्रिया प्रतिदिन नियमित रूप से करने से आपके गाल दो हफ्ते में बहुत जल्द ही आपके गाल पिचके हुए गाल आसानी से फूल जाएंगे। और दोस्तों, इसके लाभ आपको हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियाँ देते हैं।